हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ जतिन और आज के इस YouTube ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आर्डिनो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम कोई भी सेंसर की लाइब्रेरी किस तरीके से डालते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, आर्डिनो सॉफ्टवेयर होना हमारे पास ज़रूरी है। अब हमारे पास आर्डिनो सॉफ्टवेयर है तो उसके बाद आप स्केच पे जाइए, फिर यहाँ पर इंक्लूड लाइब्रेरी में मैनेज लाइब्रेरीज़ में जाइए। अब मैनेज लाइब्रेरी में जाते ही ये कुछ लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करेगा। दोस्तों, अभी आपको जिस चीज़ की, जिस भी सेंसर, जिस भी मॉड्यूल की लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करना है, आप वो लाइब्रेरी यहाँ पर सर्च करें। जैसे मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की लाइब्रेरी सर्च कर रहा हूँ, तो अल्ट्रासोनिक लाइब्रेरी की लाइब्रेरी HCSR04। अब देखिए, HCSR04 के नाम से यहाँ पर ये आई है लाइब्रेरी, ठीक है। आप इस पे जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी आपके आर्डिनो सॉफ्टवेयर में। सो दोस्तों, यहाँ पर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी एक और तरीका है लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का, तो चलिए अब वो दूसरा तरीका हम देखते हैं। CSR04। लाइब्रेरी यहाँ पर आपने सर्च करा, ये है हमारे पास लाइब्रेरी। इसे यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही है, ये देखिए यहाँ पर। ओपन करें इसे। यहाँ पर जो है ये हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुकी है। इसे कॉपी फाइल टू क्लिपबोर्ड कीजिए। सी ड्राइव, यूजर्स जतिन, यहाँ पर हमारी आर्डिनो फाइल है। आर्डिनो इसकी लाइब्रेरीज में जाकर यहाँ पर ऑलरेडी हमारा HCSR04 अवेलेबल है। अब आपको उस लाइब्रेरी को जो आपने गूगल से डाउनलोड करी है और जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करी है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दे। पेस्ट करते ही इसे क्लोज कर दे। अब वो जो लाइब्रेरी है वो आपके आर्डिनो सॉफ्टवेयर में आ चुकी है। वो अगर आपको देखना है तो आप एग्जांपल्स में जाके देख सकते हैं। ये देखिए HCSR04, ये जो लाइब्रेरी है ये आ चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखे किस प्रकार हम एक लाइब्रेरी जो होती है किसी भी सेंसर की, वो कैसे अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।